थाना क्षेत्र के बेलंतगंज इलाके में एक युवक अचानक कुएं में गिर पड़ा। कुएं में युवक को गिरने पर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद युवक को जिंदा कुएं से बाहर निकाला और उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया, पर इलाज के वक्त युवक मुन्नालाल ने हॉस्पिटल में ही अपना दम तोड़ दिया। कुएं पे आके गिर गया, हमारे सामने तो नहीं गिरा है, हमें तो हवा मचाता मैं स्कूटर पे आ रहा था, जब पता चली थी कि इसमें आदमी गिर गया है और मैंने देखा आदमी है भी है तो मैं उतरवा नहीं, मैं उतार के निकाल देता हूँ आज बच्चों को, तो मैं नहीं जब उतरवाऊँ, पर आप एक सफाई के संग का एक आदमी था वो उतरवाता था, आप उसको गाड़ी में ले गए हॉस्पिटल, जिंदा अभी जिंदा है, अभी जिंदा है, उसमें सांस है अभी। यहाँ पर अंदर के कुएं में एक आदमी के गिरने की आवाज़ आई, मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था, आवाज़ मेरी दुकान सामने ही है और जैसे ही वो कूड़ा मैं आवाज़ सुन के बाहर आया, मौके पे पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई, पुलिस प्रशासन आया, थोड़ी देर बाद पुलिस के गुर्दागोर इसमें कुएं में उतरा, एक सिपाही उतरा, उसमें उसकी मदद से आदमी को बाहर निकाला गया और मैं समझता हूँ उस आदमी की वो जीवित बच गया, अगर वो नहीं पहुंचता तो शायद उस आदमी जान नहीं बचता। नहीं, लापरवाही तो नहीं है, गलती से ही गिरा वो अपनी, वो अपने नशे में, नशे की हालत में गिरा। यहाँ पे जो है अल्लाह सुना था कि जिसमें कुएं में एक आदमी गिर गया, तो सब जैसे ही पता लगी तो सब दौड़ने को भागे इसको बचाने के लिए। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी अभी तक आई नहीं है आपके सामने, देखो कितना पब्लिक इतनी घट्टी हो गई है, फिर भी आप फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई नहीं है अभी तक, पुलिस वाले आए उनने ही निकाला इसको, अभी तक नहीं आई फायर ब्रिगेड। एक मिनट अलग, समय से सुनवाई हो जाती तो लापरवाही, समय पर जिस वक्त फोन करा थोड़ा सा लापरवाही, चार बार फोन करा, चार पांच बार की गाड़ी कोई आई नहीं है अभी तक।